Interesting type of storage class is external storage classes. Auto, register and static. All are simple storage class, but here extern is a complex storage class. Means इस केस में कुछ different rules आपको follow करने की requirements होंगी. Means इसको just explain करेंगे by comparing with static storage classes. जिस टाइप से auto और registers के rules कैसे थे almost same, excepting single difference. Auto variables are created inside stack area, whereas register variables are created inside CPU register memory. और एक्सटर्न एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस की बात करें, बोथ आर क्रिएटेड इन सेम प्लेस डेटा एरिया. मीन्स एक्सटर्न और स्टैटिक के पॉइंट्स ऑलमोस्ट कैसे होंगे सेम. इस केस में डिस्कस क्या करें, ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्न एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस. एक्सटर्न स्टोरेज क्लास को समझने से जस्ट पहले आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशंस एंड वेरिएबल डेफिनेशंस. प्रीवियस थ्री स्टोरेज क्लासेस के थ्रू रिप्रेजेंट क्या होता था, डिक्लेरेशन एज वेल एज डेफिनेशन. लेकिन एक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली वेरिएबल डिक्लेरेशन, नॉट अ डेफिनेशन. दिस इज द कन्फ्यूजियस पॉइंट. वी आर कम क्लियरिंग दिस पॉइंट बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल्स. वी आर डिस्कसिंग ऑल एग्जाम्पल्स वन बाई वन थ्रू आउट दिस पॉइंट्स. अगेन एक्शन क्या है, एक्शन इज अ बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन, नॉट अ डेफिनेशंस. डिक्लेरेशन इज किसी भी प्रोग्राम का कंपाइलेशन किसके बेस पर होता है, ऑलवेज डिक्लेरेशन के बेस पर. लेकिन एग्जीक्यूशन किसके बेस पर होता है, बेस्ड ऑन डेफिनेशन. मीन्स डिफॉल्ट केस में एक्सटर्न के थ्रू, एक्सटर्न डिक्लेरेशन है इसलिए एक्सटर्न के बेसिस पर कंपाइलेशन तो पॉसिबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है. एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, डेफिनेशन. और बाई डिफॉल्ट एक्सटर्न क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली डिक्लेरेशन. अब क्वेश्चन ये कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में एक्सटर्न के रिगार्डिंग अगर चेक करें तो आइडेंटिफाई कैसे करें. अगर सिंपली कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं लाइक दैट, सिंपली अगर कोई वैल्यू अप्लाई कर लाइक इंटीजर ए, सपोज दैट इसका डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या समथिंग ऑटो एज अ लोकल वेरिएबल्स. इस केस में इसे डिक्लेरेशन भी रिप्रेजेंट होगा, डेफिनेशन भी रिप्रेजेंट होगा. प्लस अगर इसमें कोई वैल्यू साइन करते हैं देन इसे रिप्रेजेंट क्या होगा, डिक्लेरेशन एज वेल एज डेफिनेशन. डेफिनेशन मीन्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. ऑटो का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, गार्बेज, इसलिए ऑटो का बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन रिप्रेजेंट होगा. रजिस्टर का भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या, गार्बेज, इसलिए डिफॉल्ट डेफिनेशन क्या है, गार्बेज. सेम है स्टैटिक का डिफॉल्ट डेफिनेशन क्या है, जीरो. लेकिन एक्सटर्न के केस में कभी भी कोई डिफॉल्ट डेफिनेशन पॉइंट नहीं होता है. बाय डिफॉल्ट अगर ऑटो वेरिएबल है देन बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, गार्बेज. लेकिन अगर एक्सटर्न अप्लाई किया है, एक्सटर्न के केस में इसका स्टोरेज क्लास क्या है, एक्सटर्न. एक्सटर्न का कभी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता, इसलिए इनका कोई डिफॉल्ट डेफिनेशन अवेलेबल नहीं, ना ही जीरो ना ही गार्बेज. इसलिए बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर क्या होगा, ओनली डिक्लेरेशन. और डिक्लेरेशन के बेसिस पर कंपाइलेशन पॉसिबल, नॉट एग्जीक्यूशन. मीन्स स्टेटमेंट के बेस पर ओनली कंपाइलेशन पॉसिबल होगा, ना कि डेफिनेशन. अगर सेम एक्सटर्न वेरिएबल को डिक्लेरेशन टाइम पर इनिशियलाइज कर दिया जाए देन ये कंसीडर क्या हुआ, डिक्लेरेशन एज वेल एज डेफिनेशन. इस केस में करंटली ए का डेफिनेशन क्या फॉर्म हो रहा है, जीरो. लेट्स सी रीड द पॉइंट्स ऑफ एक्सटर्न. जिस तरह से स्टैटिक स्टोरेज क्लास लोकल वेरिएबल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम एज ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए भी एप्लीकेबल है. एक्सटर्न का भी रूल कैसा हुआ, सेम. एक्सटर्न कैन बी अप्लाइड लोकल डिक्लेरेशन एज वेल एज ग्लोबल डिक्लेरेशन. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस केस में ग्लोबल स्कोप में एक्सटर्न के रिस्पेक्ट में डिक्लेरेशंस भी पॉसिबल हैं और डेफिनेशंस भी पॉसिबल हैं, लेकिन लोकल स्कोप में कभी भी डेफिनेशंस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं. रीड दिस पॉइंट, एप्लीकेबल फॉर लोकल वेरिएबल एज वेल एज ग्लोबल वेरिएबल्स, दैट्स अ ट्रू. नेक्स्ट वन, इस केस में थ्री पॉइंट्स एनालाइज करना है. थ्री पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड किया गया वन बाई वन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन, डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल. स्ट्रिक्टली वी कैन से अगर एक्सटर्न वेरिएबल्स के लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, आपने कोई मैन्युअली वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, देन इस केस में बाय डिफॉल्ट इनका कभी कोई वैल्यू नहीं होगा. अगर वैल्यू नहीं हुआ देन कंसीडर क्या हुआ, ओनली डिक्लेरेशन, नॉट अ डेफिनेशन. दैट्स व्हाई इट कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड. मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल. कंसल्टेड फर्स्ट केस, हियर वी आर डिक्लेयरिंग एक्सटर्न वेरिएबल ए, एक्सटर्न इंट ए. We want to try displaying value of A. In that case, अगर A के लिए कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, A का स्टोरेज क्लास क्या फॉर्म हो रहा है, एक्सटर्न. ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग देर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू एप्लीकेबल फॉर एक्सटर्न वैल्यू अकॉर्डिंग टू रूल नंबर टू. रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग एक्सटर्न का कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगा, ना ही गार्बेज और ना ही जीरो. स्पेशली याद रखना है,
इसलिए इस स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर आप कंपाइलेशन टेस्ट करोगे, दिस कोड विल बी कंपाइल सक्सेसफुली, देयर इज नो एरर, बट फेल्ड टू एग्जीक्यूट बिकॉज कंपाइल टाइम पर रिक्वायर्ड क्या होगा, डिक्लेरेशन अवेलेबल है, लेकिन रन टाइम पर रिक्वायर्ड क्या होगा, डेफिनेशन मीन्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, लेकिन ये का कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं, इसलिए इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं, और वी कैन से इन दैट केस प्रोग्राम विल फेल एट द टाइम ऑफ लिंकिंग फेज, ड्यूरिंग लिंकिंग फेज, मीन्स फिलहाल आप इसको कंसिडर कर जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम, मीन्स इस कोड का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं, लेकिन कंपाइलेशन पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रूल्स। लेकिन अगर केस थ्री के केस में बात करें, केस थ्री में भी एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल है केस वन और केस थ्री, ऑल आर सेम, ओनली डिफरेंस क्या है, केस थ्री में मैनुअली क्या असाइन किया है 10, इसलिए एक्सटर्न इटसेल्फ क्या रिप्रेजेंट करा है, डिक्लेरेशन, लेकिन इसका डेफिनेशन फाउंड हो रहा है 10, मैनुअल वैल्यू क्या है इसका 10, इस केस में डिक्लेरेशन भी है प्लस डेफिनेशन, इसलिए कोड कंपाइलेशन भी सक्सेसफुल हुआ, इसका कंपाइलेशन भी परफॉर्म सक्सेसफुली एज वेल एज एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो परफॉर्म सक्सेसफुली, देयर इज नो एरर। अगर आउटपुट की बात करें तो सिंपली ए का इनिशियल वैल्यू 10 है, इसलिए प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या हो जाएगा, वैल्यू एज 10। दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन केस वन और केस थ्री, क्लियर। नेक्स्ट वन स्पेशली याद रखना, जनरली किसी भी वेरिएबल्स के लिए टू पॉसिबल स्कोप होंगे, मे बी लोकल स्कोप और मे बी ग्लोबल स्कोप, एक्सटर्न का डेफिनेशन ओनली ग्लोबल स्कोप में पॉसिबल है, नॉट फॉर लोकल स्कोप, स्ट्रिक्टली दिस पॉइंट। इन केस ऑफ लोकल स्कोप वी कैन प्रोवाइड ओनली डिक्लेरेशंस फॉर एक्सटर्न वैल्यू, नॉट अ डेफिनेशंस, मींस लोकल स्कोप में एक्सटर्न के केस में डिक्लेरेशंस प्रोवाइड है लेकिन डेफिनेशंस प्रोवाइड नहीं है, अगर डेफिनेशंस प्रोवाइड नहीं मींस इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं, कैन नॉट बी इनिशियलाइज, क्योंकि इनिशियलाइजेशन इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करेगा, डेफिनेशंस, देयरफॉर लास्ट केस इज इनवैलिड, बिकॉज इस केस में एक्सटर्न वेरिएबल है, डिक्लेरेशन कैसा है लोकल, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इनसाइड मेन फंक्शन, लेकिन इसके साथ वैल्यू भी असाइन किया है, एक्सटर्न के केस में लोकल स्कोप में वैल्यू असाइन करना पॉसिबल नहीं, इट इज कम्प्लीटली इनवैलिड, मीन्स इस केस में कोड ना ही कंपाइल होगा ना ही एग्जीक्यूट होगा, क्लियर। फर्स्ट केस में कंपाइलेशन पॉसिबल था लेकिन एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं था, सेकेंड केस में कंपाइलेशन भी पॉसिबल है एग्जीक्यूशन भी पॉसिबल है, लेकिन लास्ट केस में कंपाइलेशन भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज रीड दिस पॉइंट, इनसाइड लोकल स्कोप ओनली डिक्लेरेशन इज अलाउड, ओनली डिक्लेरेशंस इन दैट केस, केस टू के केस में मैंने लोकली प्रोवाइड क्या किया, डिक्लेरेशंस, हेयर ए इज डिक्लेयर्ड इनसाइड मेन फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड डिक्लेरेशन, लेकिन ये डिक्लेरेशन कैसा, लोकल और ग्लोबल, लोकल डिक्लेरेशंस, प्लस यहाँ मैंने कोई वैल्यू साइन नहीं किया, इसलिए कंसीडर किया वो ओनली डिक्लेरेशन है, मीन्स इस केस में कोड कंपाइल तो होगा, क्यों कंपाइलेशन किसके बेस पर हो रहा है, डिक्लेरेशन के बेस पर, बट फेल्ड टू एग्जीक्यूट बिकॉज एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, डेफिनेशन और वैल्यू, लेकिन इस केस में कोई वैल्यू साइन नहीं किया, इसलिए केस कैसा है, इनवैलिड, मीन्स केस टू और केस थ्री ऑलमोस्ट कैसे हैं, सॉरी केस वन और केस टू ऑलमोस्ट कैसे हैं, सेम, दोनों ही केस में क्या है, डिक्लेरेशन, इस केस में डिक्लेरेशन कैसा है ग्लोबल, इस केस में डिक्लेरेशन कैसा है लोकल, लेकिन दोनों ही केस में ओनली डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए कंपाइलेशन दोनों ही केस में पॉसिबल, लेकिन एग्जीक्यूशन किसी भी केस में पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड केस में ग्लोबल स्कोप में डेफिनेशन प्रोवाइड किया, मीन्स डेफिनेशन ग्लोबल स्कोप में प्रोवाइड करना पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल, इनसाइड ग्लोबल स्कोप डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन बोथ आर अलाउड, मीन्स कैन बी इनिशियलाइज्ड इन केस ऑफ स्पेशली ग्लोबल स्कोप, लेकिन लोकल स्कोप में ओनली डिक्लेरेशन पॉसिबल नॉट अ डेफिनेशन। वन मोर थिंग्स, अगर बाय डिफॉल्ट जस्ट एज लोकल वेरिएबल्स के लिए अगर कोई भी स्टोरेज क्लास एयरबाई नहीं किया, देन बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास किया था ऑटो, सिमिलरली अगर ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए यार एक्स या ग्लोबल कोई भी स्टोरेज क्लास अगर अप्लाई नहीं किया, डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होगा, सिमिलर टू एक्सटर्न, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न प्रॉपर्टी किसके फॉलो करेगा, स्टैटिक, मींस स्पेशली याद रखना इस केस में जब मैंने इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड नहीं किया था, देन इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं था, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स को अगर इनिशियलाइज नहीं किया है विदाउट एनी स्टोरेज क्लास, देन इस केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, जीरो, स्पेशली याद रखोगे, लेकिन प्रॉपर्टी किसके फॉलो होंगे, एक्सटर्न, एक्सटर्न मीन्स ए वेरिएबल अदर सोर्स फाइल के थ्रू शेयर करना पॉसिबल। नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रैक्टिकली इस पॉइंट को टेस्ट करेंगे, व्हाट यू मीन बाय दिस पॉइंट, क्लियर। दीज आर ऑल आर रिलेटेड टू एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉल्ट स्कोप इज प्रोजेक्ट लेवल, इसे एक्सटर्न वेरिएबल्स को क्रिएट करने का जस्ट पर्पज क्या है, सपोज दैट वी आर क्रिएटिंग सम प्रोजेक्ट, इन दिस प्रोजेक्ट कंटेनिंग 5 और 10 सोर्स फाइल्स लाइक ए डॉट सी, बी डॉट सी, सी डॉट सी,
अगर ये किसी पर्टिकुलर सोर्स फाइल के वेरिएबल्स को अदर सोर्स फाइल में एक्सेस करना है देन यूज क्या करोगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स के थ्रू टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन लाइफ एंड एलोकेशन रूल इज सेम एज स्टैटिक मींस एक्सटर्नल वेरिएबल्स का लाइफ क्या होगा होल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम प्लस स्कोप क्या होगा स्कोप इनका डिफरेंट रहेगा स्कोप क्या विद इन अ प्रोजेक्ट नॉट विद इन अ फाइल। लाइफ एंड एलोकेशन मेमोरी एलोकेशन का पर्फ हो रहा है ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन मीन्स एक्सटर्नल वेरिएबल ऑल्सो क्रिएटेड बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन स्पेशली याद रखना एक्शन के केस में लोकली डिक्लेरेशन पॉसिबल नॉट अ डेफिनेशन नॉट अ डेफिनेशन लेकिन ग्लोबली डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन दोनों ही पॉसिबल होंगे। लास्ट वन इट इज डिफॉल्ट टाइप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स मीन्स ग्लोबल वेरिएबल्स के केस में बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास का एक्सटर्नल लेकिन पॉइंट्स के स्केल बाय करोगे स्टैटिक के क्लियर।